ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮਾਫ ਕਰੋ। भावें कि पंजाब सरकार किसानों का कर्जा मुआफ़ करने की गल कह रही है, पर फिर भी किसानों नूं एक कर्जा मुआफ़ी रास नहीं आ रही अते किसानों वालों लगातार खुदकुशियां कीतियां जा रही हैं। अते पंजाब विच हुण इन्हां किसानों का पल्ला फड़िया है बीजेपी ने। बीजेपी के वलों किसान जथेबंदियों के नाल मिलकर सीएम की कोठी का घिराव किया जाना सी, पर रस्ते दे विच ही पुलिस वालों इन्हां ते पानी दीआं बौछारां मारी गईआं। बीजेपी लीडर हरजीत गरेवाल अते विनीत जोशी का कहना है कि पंजाब सरकार किसानों नाल धोखा कर रही है अते उन्होंने किसानों नाल ये वादे सिर्फ वोटों के लालच खातर किए सन। चाहे वह साहूकारां दा है, चाहे वह आड़तियां दा है, चाहे बैंकां दा है, चाहे कोऑपरेटिव सोसायटी दा है, सारयां दा करजा माफ़ी की उन्होंने गल की सीगी, पर चोण हो गई, पहली कैबिनेट च वायदे अनुसार उन्होंने माफ़ नहीं किया। किसान नूं उन्होंने वोट बैंक समझ के पंजाब सरकार ने वादे किए सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने उन्होंने इंसान समझ के वादे नहीं किए, इसलिए असी कहने कि किसान नूं इंसान समझा जाए और वादे पूरे किए जाण और किसान दी आत्महत्यावां बंद होण और किसान का जो पूर्ण कर्जा माफ़ी की गल सी वह होनी चाहिए है। वो साडी मंग आ भारतीय जनता पार्टी पंजाब दी किसान मोर्चे की और इस तों अगे पूरी पार्टी भी इस संघर्ष इनवॉल्व हो सकती है। हुण इत्थे ये कहना औखा है कि बीजेपी की सचमुच किसानां दे इस दर्द दे विच शामिल होना चाहुंदी है जां फिर उन्हां वल्लों भी यह सिर्फ राजनीति करके ही किया जा रहा है। स्पोक्समैन टीवी दे लई चंडीगढ़ तों सुखविंदर सिंह दी रिपोर्ट।